बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, मेरी बहनें, मेरी कज़नें, मेरे बहन भाई, सभी देखने वाले, सब प्यार करने वाले मुझसे। ये मैं आज दिखा रही हूँ आलू मेथी। आप कहेंगे हर चीज़ सब्ज़ी, ये इसलिए ये चीज़ें ऐसी हैं ये हर कोई बना सकता है। ये नहीं किसी को दुख होगा कि चीज़ें ऐसी बन रही हैं चैनल पर कि हम तो बना ही नहीं सकते, महंगी हैं, ये है वो है, वो भी होती हैं चीज़ें, मगर ये भी है। ये है मेथी और ये है मूंग की दाल। मैं मेथी मूंग की दाल बना रही हूँ। ये भी शायद आप लोगों ने नाम ना सुना हो क्योंकि बहुत कम बनती है चीज़ें। ये है मैंने आधा किलो मेथी ली, इसे तोड़ा धो और काट लिया और इसको खूब अच्छी तरह धो लिया क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है जो हमारे जिस्म के लिए, गुर्दों के लिए बहुत नुकसान है। इसको पालक को तो बेइंतहा धोना पड़ता है। ये मैंने एक पाव छिलकों वाली मूंग की दाल ली है, देखें ये ऐसी होती है, हरी छिलकों वाली धुली हुई कहलाती है। ये एक पाव है, ये आधा किलो है। उसके बाद ये देखें, ये 6-7 लहसुन के जो काटे और ये 6 मिर्चें जो इस टाइप की हैं, ये लंबी है, ये 6 मिर्चें काटनी। ये 1.5 चमचे नमक है, बल्कि आप नमक तो अपने हसब ज़रूरत डाल सकते हैं, किसी को तेज़ पसंद होता है किसी को। अब ये कर लिया, इस दाल को हम अच्छी तरह खूब धो के ना, उसके बाद 2 मिनट सिर्फ पानी में रख के और फिर इसके ऊपर डाल लेंगे। जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो पतीली में हमने सिर्फ क्या करना है, बहुत कम ऑयल डलता है इसमें, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं डलता, आधा कप भी नहीं, आधा कप डलेगा, आधा कप आपने ऑयल डालना है। जब वो गर्म हो जाए तो ये मेथी दाल इस पर होगी और ये मिर्चें, लहसुन और नमक ये डालना है और इसको 2-4 दोहा हिलाना चमचा, 2-4 दोहा चमचा हिलाना। उसके बाद 1 कप छोटा डालने के बाद दाल और ये इसके ऊपर ये डाल देना है और 1-2 दफ़ा हिलाने के बाद 1 कप, जैसे दम करने के लिए कोई चीज़ डालते पानी, बस 1 कप डलेगा छोटा, दरमियाना जो कमीले वो डलेगा और उसे 2-4 दिन ढकना रख देना, 1-2 दफ़ा हिला देना और जैसे ही पानी खुश्क हो अपने चावलों की तरह इसको दम दे देना। ये सब चीज़ें और 1/2 कप तेल का और 1 कप पानी ये डलेगा इसमें वहाँ पे। तो हम चलते हैं चूल्हे की तरह बनाने के लिए, फिर आप देखिएगा ये पूरी बन जाए वो भी दिखाएंगे। आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा और बनाइएगा और खाइएगा, मेरी गारंटी है आपको बहुत मज़ा आएगा। दाल में इसकी दाल भी है और इसके साथ ये सब चीज़ें, दाल भी है और ये सब चीज़ें इसमें पानी डाल दिया है। पानी जब सूख जाएगा तो इसे दम पे रख देंगे और फिर रेडी हो जाएगी। ये तैयार हो गया है दाल मेथी। अब आप भी अगर दिल चाहे तो बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी।